गार्डनिंग का शौक़ यानी कि ढेर सारी कटिंग्स लगाने का भी शौक़। कभी कभार हम पौधों से टहनियाँ काट के कटिंग्स को ग्रो करते हैं और कभी कभार हम लोग कोशिश करते हैं अपनी एयर लेयरिंग के द्वारा ढेर सारे पौधों को प्रोपोगेट करने की। तो आज जानते हैं अपनी इसी पद्धति के बारे में। एयर लेयरिंग हमारी वो प्रक्रिया है जहाँ पर हम पेड़ों से या पौधों से बहुत सारे पौधे उसी पौधे या पेड़ की टहनी में लगे लगे ही तैयार कर सकते हैं, वो कहलाता है एयर लेयरिंग। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। आज मेरे कुदरत के दिए हुए एयर लेयरिंग के साथ। कभी कभी होता क्या है ना कि प्रकृति हमें अपने आप वो दे देती है जिसको हम दिल से मांगते हैं। इस बार मैं कब से सोच रही थी एयर लेयरिंग करूँगी किसी पौधे में, और देखिए वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। कुछ इसी तरह से देखिए प्रकृति का दिया हुआ उपहार, और असल में इसको कहते हैं कि प्रकृति भी आपके काम में सहयोग करती, यानी कि प्रकृति आपकी सहयोगी है। एक ये मेरा टिकोमा का प्लांट, ड्वार्फ वाला टिकोमा है। एक टिकोमा के बड़े बड़े से पत्ते होते हैं, पर ये भी टिकोमा ही है। इसमें छोटे फूल खिलते हैं और पौधा भी छोटा ही रहता है, और इस पौधे में 25 जगह अपने आप एयर लेयरिंग हो चुकी है। अब बस करना क्या है, जो कुदरत ने एयर लेयरिंग करके दे दी, बस इसको हमें समय रहते इस पे ध्यान देना है और इनसे हमें बना लेने ढेर सारे पौधे। ये देखिए यही काम तो होता है एयर लेयरिंग में। जब हम पौधों की टहनियों पे कुछ कपड़ा या कुछ पॉलीथीन लगा के एयर लेयरिंग करते हैं तो कुछ इसी तरह का सीन क्रिएट होता है, और वो सीन बिना कोई कपड़ा बांधे बिना कोई कोशिश करे क्रिएट हो गया। अब 25 जो टहनियों में ये इस तरह की रूट्स निकल आई हैं, तो इनको मैंने समय रहते देख लिया, तो अब इनसे बनेंगे अपने ढेर सारे पौधे। मैं क्या करूँगी, वैसे ही इस पौधे की मैं प्रूनिंग करने जा रही थी, तो अब क्या करूँगी कि प्रूनिंग भी हो जाएगी और साथ ही साथ 25 पौधे भी मेरे अलग से एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपके पौधे में भी अगर यही हाल है, तो आप जहाँ जहाँ से रूट्स निकली हैं वहाँ वहाँ से इन टहनियों को काट लीजिए, और ये आपको अपने गार्डन में अच्छे से निगरानी करनी है कि किस पौधे में इस तरह का संकेत आपको दिख रहा है। ये पौधा भी मेरा ढेर सारे गमलों के बीच में घुसा रखा था, और वीडियो कुछ दिन पुराना है, तो अभी क्या हुआ, जब लगातार बारिश हुई थी, इस पौधे को लगातार नमी मिल रही थी, तो बहुत सारे पौधों के बीच में जब छिपा था, और इसको जब मैंने बाहर निकाला इसकी प्रूनिंग करने के लिए, तो साथ ही साथ मुझे तोहफे में एक नहीं अनेकों पौधे मिल गए। बस आपको वहीं से कट करना है जिस स्टेम में, जहाँ पे जिस नोड एरिया से आपकी रूट्स निकल रही हैं, वहाँ से आप काट काट के सारे निकाल लीजिए। बदले में आपको मिल जाएंगे ढेर सारे पौधे। चलिए अब इनको जहाँ से रूट्स निकली थी वहाँ से काट लिया है, अब इनको गमले में लगाने की बारी। यहाँ पर आप अगर रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल करते हैं केमिकल, तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। एलोवेरा अपना बहुत अच्छा सा नेचुरल रूटिंग हार्मोन। कुछ यहाँ पर मेरे पास मिट्टी पड़ी है और कुछ पड़ा है कोकोपीट, और मिट्टी में अलग से मैं खाद नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि मिट्टी में खाद वाद सब कुछ मिला था। अभी फ़िलहाल इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा कोकोपीट मिलाए दे रही हूँ, क्योंकि जब आप कटिंग्स लगाते हैं तो कटिंग्स को थोड़ा सा ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है, तो कोकोपीट हमारी मदद करेगा। और यहाँ पर देखिए कुछ छूट गया, दिखाती हूँ। इससे जब मैंने मिट्टी पलटी तो देखिए नीचे कितना मोटा सा केचुआ बैठा है, अर्थवर्म। आपकी मिट्टी में भी इस तरह से जब भी दिखे तो इनको फेंकिएगा नहीं, बहुत अनमोल होते हैं ये केचुए हमारे पौधों के लिए। अब यहाँ पर कोकोपीट और मिट्टी में एक ही साथ मिक्स करे ले रही हूँ, चूँकि कोकोपीट गीला है तो मिट्टी भी काफ़ी गीली हो गई है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर, आप दोनों में से एक ले सकते हैं या फिर दोनों भी ले सकते हैं। जब भी कोई कटिंग्स लगाते हैं तो हमारे पौधों को फंगस लगने का खतरा ना हो, बस इसलिए थोड़ा सा बचाव के लिए डाल देते हैं, और कुछ भी नहीं है ना। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई,
अब मैं इसका केचुआ किसी गमले में छोड़ के आती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जब मिट्टी डालूँगी ना तो खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। किसी गमले में मैंने पलट दिया, अब इसमें भर दूँगी मैं यही अपना मिट्टी। आपके पास गमला है, आप गमले में लगाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इन कटिंग्स को गमले में भी लगा सकते हैं। चूँकि मेरे पास अभी कोई गमला खाली नहीं है तो मैं इसी में लगा देती हूँ, जब ये कुछ और बड़ी हो जाएंगी तो किसी गमले में शिफ्ट कर दूँगी। अब ये जो हिस्सा हमने काटा था जहाँ से रूट्स निकली थी, बस इसी वाले हिस्से में हम लोग लगाएंगे अपना एलोवेरा जेल। आप सिर्फ जेल भी निकाल के लगा सकते हैं, पर ये मेरा अपना स्टाइल है। मैं क्या करती हूँ, एलोवेरा के छिलकों को ही इस अपना कटिंग में रैप कर देती हूँ। मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ, कोई नुकसान नहीं होता है। आपकी मर्ज़ी, आप सिर्फ जेल भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से अपना जेल समेत पत्ता भी रैप कर सकते हैं, है ना। अब बॉटल भी थोड़ी सी बड़ी है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर अपनी दो कटिंग्स इसी बॉटल में लगा दूँगी। जब धीरे धीरे ये ग्रो करेगा तो इसको शिफ्ट कर लूँगी, या फिर किसी को ज़रूरत होगी तो ये मैं दे भी दूँगी, क्योंकि फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, एक गमला है वही पर्याप्त है। ऊपर की ये कुछ पत्तियाँ आप काट के निकाल सकते हैं। बरसात के सीज़न में बहुत ज़रूरी नहीं होता है कि आप सारी पत्तियाँ निकालें, पर कुछ एक निकाल देंगे, पौधा सर्वाइव करेगा तो उसको थोड़ी सी कम ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो मैंने फंजीसाइड और हल्दी अभी जो मिट्टी में मिलाया, उसी कटोरी में थोड़ा सा चिपका था, मैंने पानी डाला तो वही पानी पीला हो गया है, बस अलग से कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ही पानी मैं डाल लूँ, चूँकि कोकोपीट बिल्कुल पानी से भरा था तो ऑलरेडी उसमें नमी है काफ़ी सारी। अब ये कुछ और कटिंग्स जो बची हैं तो इसी तरह से आप अपने दूसरे गमलों में लगा सकते हैं। मैंने अपना एक डिस्पोजल ये लिया तो इसमें लगाए दे रही हूँ। आप डायरेक्टली इसको गमले में ही लगा दीजिएगा, बहुत सहूलियत रहेगी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास अभी कोई गमला खाली नहीं है, सिर्फ आपको मैं लगा के दिखा रही हूँ। आप सीधे से अपने उसी गमले में लगा दीजिए जिसमें ये पौधा तैयार करना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए, एक दो कटिंग्स मैं इसी मदर प्लांट के साथ ही लगाए दे रही हूँ, जिससे मैंने कटिंग्स काटी थी उसी गमले में मैं लगा दूंगी। और जब ये ग्रो हो जाएंगे तो इनका भी अपडेट मैं आपको ज़रूर दूंगी। ये देखिए, तो उसी गमले में मैंने लगा दी अपनी दो कटिंग्स, बस छाया वाली जगह पे रख दीजिए जहाँ पर इनमें भी डायरेक्ट धूप ना पड़े, और धीरे धीरे करके आपके ढेर सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये था अपना एयर लेयरिंग का नेचुरल तरीका, जो प्रकृति का उपहार स्वरूप है आपके लिए। तो आप भी अपने पौधों पर नज़र डालिए, हो सकता है कि आपके कुछ गमले ऐसे छिपे पड़े हों जहाँ पर इसी तरह की रूट्स निकल के आ गई हों। इनको अगर आपने समय रहते देख लिया तो आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं, अदरवाइज जैसे ही तेज़ धूप निकलेगी तो रूट्स सूख जाएंगी, फिर ये नेचुरल एयर लेयरिंग आपके किसी काम की नहीं रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सभी उन भाई बहनों को शेयर करिए जिन्होंने कभी एयर लेयरिंग नहीं करी है पर प्रकृति के दिए हुए इस एयर लेयरिंग को इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि चैनल का हिस्सा बनने की ज़रूरत है तो बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ ऑल का बटन दबा दीजिए, सारे के सारे नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।